इंदौर में एक बार फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी ने अपना नाम और धर्म बदलकर दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब आरोपी आफताब खान का झूठ सामने आया तो महिला ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज आफताब ने महिला के साथ मारपीट की। वही पीड़िता की शिकायत पर परदेसीपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, ये परदेसीपुरा की घटना है। कल एक पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पर आती है और बताती है कि मेरे साथ किसी ने नाम बदल के दुष्कर्म किया है। तो उन्होंने पूरी कहानी इस तरीके से बताई कि इनके पिताजी को 2023 में पैरालिसिस का अटैक आया था। तो उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो उस हॉस्पिटल के जो रिसेप्शन पर एक लड़का काम करता था, युवक, उसने अपना नाम सुदीप बताया था। और उसने जो बच्ची है उसने अपना मोबाइल नंबर उस पर लिखवाया था कि अगर मेरे पिताजी को कुछ होता है तो मेरे को एक बार कॉल कर दें। तो 2-3 दिन बाद उस लड़के ने इस बच्ची को कॉल किया और बोलता है कि मुझे आप अच्छी लगती हो, मुझसे आपसे दोस्ती करनी है। लेकिन इसने बताया कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, एक मेरा बच्चा भी है। लेकिन उसने अपनी जिद पकड़ी, बोला कि मैं आपको रखूँगा और शादी भी करूँगा और मेरे साथ घूमो फिरो इस टाइप से। तो इन लोगों की बातचीत होने लगी और ये घूमने फिरने भी गए। लेकिन कुछ दिन बाद इसको पता चलता है कि उसका जो असली नाम है वो आफ्ताब है और लोग उसको सलमान नाम से भी जानते हैं। तो इसने उससे पूछा कि आपका नाम तो सलमान है और आफ्ताब भी है और आफ्ताब है। तो उसने बताया कि नहीं, मैं सुदीप नाम ही है। लेकिन जब उसने अपनी उसकी आईडी देखी तो उसमें आईडी में उसका नाम आफ्ताब था। तो जब दोनों का कन्फ्रंटेशन हुआ तो उसने बताया कि हाँ, मैं आफ्ताब नाम है मेरा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए और मैं आपसे निकाह कर लूँगा। तब इस लड़की ने मना किया और इसके बाद जब मना किया तो उसने उस पर दबाव डाला और इनकी मारपीट भी हुई है, जिसके ऊपर हमने अपराध पंजीवत किया है। और आफ्ताब को भी राउंड अप कर लिया है, उसका मेडिकल करा के उसको गिरफ्तार करके आज पेश करें। जी, इसमें जो दुष्कर्म की धाराएं लगाई गई हैं, मारपीट की धाराएं लगाई गई हैं और जो धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डाला गया उसकी भी धाराएं लगाई।